जय शेखर भैया, अपन और लेके आ गए हैं अपने श्रोता भैया बहनों को पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। बिल्कुल शशि बिन्ना, और अपन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी थोड़ी सी देरी, कह के श्रोता कर रहे हैं बहुत जोर से इंतजार। बिल्कुल भैया, तो अपन अपने श्रोता भैयाहरों से करा थे राम राम, राम। और ले थे जो पहला फोन। हेलो हेलो, आकाशवाणी सागर फोन करे लोग भी सुने। बिल्कुल भैया सही कह रहे हो और सही जगह पे फोन लगाओ है। अपना नाम और बता देते। देवी दीन कुशवाहा बोला, ग्राम सुनई थाना लदवा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। देवी दीन कुशवाहा। हाँ जी। तो देवी दीन भैया क्या चल रहा है अपनो सुन रही में इस समय? सर मूंगफली पटा रहे। बहुत ही अच्छी बात है। और भैया अपने कुछ अपन को ऐसा भी करने हैं कि खेती के अलावा भी दो तीन काम ऐसे फंसे रहे कि अपन के परिवार है तो उनके ऊपर भी आश्रित रहे अपन। ऐसा नहीं कि केवल खेती के ऊपर अपन निर्भर हो गए और फिर जाके आगे परेशानी भाए। तो पशुपालन भी कर लो। पशुपालन भी है, दो भैंसे हैं। बहुत ही अच्छी बात है भैया। अब भैया जैसो कि आप जानत हो कि हम अटका पूछत हैं। हाँ जी। तो अटका पूछ रहे हैं, अटका कह रहे हो कि रींग रीगा सींग सींगा गाय कारी दूध मीठा सिंगार सर। बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि आपने फट से जवाब दे दो। तो अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे मैं? उर्मिला पांडे को सुना देना सर। सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे उर्मिला पांडे को गाओ भाओ जो लोकगीत। राजा तिरबाजा मोहो हारियो, राजा तिर
हेलो हेलो नमस्कार मैडम। हाँ नमस्ते भैया जी, कहाँ सागर से बोल रहे हैं? बिल्कुल सागर से। और आपने लगाओ है फोन? फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में। जी हम सुना हिरणखेड़ा से। हिरणखेड़ा जी जिला सागर। बहुत देर बाद फोन लगा पाया हूँ आपको। सफीक भैया को हम कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत कर रहे हैं। जी मैडम नमस्ते। और बताएं भैया अपने बारे में, क्या काम करते हैं आप? जी खेती किसानी करते हैं मैडम। अच्छा तो अभी कहाँ चल रहा है खेतों में? अभी सोयाबीन चल रहे हैं मैडम। अच्छा सोयाबीन रख लो करा। चलो जा तो बहुत अच्छी बात है भैया कि आपकी सोयाबीन की फसल बढ़िया आई है। और भी कछु बो तो? नहीं बस सोयाबीन अकेला बोया था मैडम। अच्छा चलो भैया अब हम आपसे आज को अटका पूछ लें। जी जी जी। अटका कह रहा है रिंग रिंगा सिंग सिंगा गाय काली दूध मीठा। जी अरे हमें तो गीत सुनना था मैडम। गीत तो सुनवा दे हैं हम, पहले अटका को उत्तर तो देने पड़ा थे। अपने जो परंपरा चली आ रही है कि ये कार्यक्रम में अपन अटका पूछा थे अपने श्रोता भैयाहरों से। जी जी। हाँ नहीं मैडम हम नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं है कि आपको उत्तर दे नहीं है, है ना? जी मैडम। चलो आप हमें बता दें कि कौन से लोकगीत सुनने हैं? हमें तो राजू का सुनना। राजू? राजू पटेल को? जी राजू पटेल को। ठीक है भैया। और अब हम सुनवा रहे हैं आपको राजू पटेल को गाओ जो लोकगीत। मोरे प्यारे किसान, मोरे प्यारे किसान, कर ले जतन से किसानी। मोरे प्यारे किसान, कर ले जतन से किसानी। बड़े जतन से करो किसानी हुई है ना हैरानी। ये बड़े जतन से करो किसानी हुई है ना हैरानी। भैया हुई है ना हैरानी। बोनी समय से करो खेत में, समय से सींचो पानी। पानी रे हो जे हो धनवान, अरे हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, कर लो जतन से किसानी। पनपने पावे करके निदाई उखाड़ो, ये खर पतवार पनपना पावे करके निदाई उखाड़ो। भैया करके निदाई उखाड़ो। अगर फसल में रोग लगे तो तुरंत दवाई डारो डारो। रे नातर हुई ओ हैरान भैया, ये नातर हुई ओ हैरान, नहीं तो हुई ओ हैरान, कर लो जतन से किसानी। प्यारे प्यारे किसान, कर लो जतन से किसानी। अरे अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो, अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो। भैया देसी खाद ही डालो। अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो। प्रमाणिक और अच्छे बीज ही अपने खेत में डालो। बनियों ना अज्ञान, अरे बनियों ना अज्ञान, बनियों ना अज्ञान, कर लो जतन से किसानी। ए मनियों ने अज्ञान, मनियों ने अज्ञान, कर लो जतन से किसानी। प्यारे प्यारे के
अरे आलू भट्टा टमाटर गोभी और लगा दो भाजी भैया और लगा दो भाजी। अरे आलू भट्टा टमाटर गोभी और लगा दो भाजी भैया और लगा दो भाजी। इसे दुहरी होत कमाई हो, इसे दोहरी होत कमाई अपनी चलती रोजी रोजी रे बात सुनियो दे ध्यान कर लो जतन से किसानी पूरे प्यारे के दान कर लो जतन से किसानी पूरे प्यारे के दान कर लो जतन से किसानी। हेलो हेलो। हाँ भैया फोन करें लोग भी सुने। बिल्कुल सर जी मेरी आपसे ही बात होगी मेरी सर। बहुत अच्छी बात है भैया अपना नाम बता दो। बिल्कुल सर ग्राम बापोस्ट ग्राम पंचायत क्षतिपुर ग्राम क्षतिपुर ग्राम पंचायत क्षतिपुर तहसील करेगा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश आपका नियमित श्रोता श्रीनाम सिंह रजक श्रीमान जी। तो श्रीनाम भैया हमें कुछ बता दो क्षतिपुर में वे चल कर रहा है। क्षतिपुर में सर मूंगफली की मतलब निकासी हो रही मूंगफली निकाल रहे सर। हाँ हाँ तो अपने ही खेत में काम कर रहे हो कि कोई दूसरे के खेतों में लगे हो? नहीं नहीं सर मैं तो बटाई ही देता हूँ सर मैं तो नौकरी करता हूँ बटिया ही देता हूँ अपनी। हाँ, पूरी खेती। चलो भैया बटाई पे देवे से भैया जो है कि दो पैसा को फायदा सामने वाले को भी हो जाऊ थे और दो पैसा को अपन को भी हो जाता है। बिल्कुल सर जो गरीब लोग हैं जमीन नहीं है सर जी उनको देता हूँ सर। बहुत अच्छी मिल जाता है साल में 2-3 लाख रूपये मुझे ही मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है भैया मिल बांट के सब खाए पिए। बिल्कुल श्रीमान जी मैं तो पंचायत प्रेरक हूँ सर नौकरी करता हूँ। हाँ हाँ बहुत ही अच्छी बात है भैया ऊपर वाले ने बहुत कृपा की है सर आंसू पानी कोई किल्लत नहीं हुई एक लगभग 2 साल तक। चलो भैया बहुत ही अच्छी बात भैया सरनाम भैया हमारे कितने की रीत तो जानते ही हो। बिल्कुल सर अटका। हाँ अटका की तो ये बार की रीत में अटका कह रहा है कि रिंग रिंगा सिंग सिंगा गायकारी दूध मीठा। गायकारी दूध मीठा। रिंग रिंगा सिंग सिंग गायकारी दूध मीठा यानी खाबे की चीज है वो मैं सींग जैसी चीजें भी हैं और करिया है और फिर बस इतना ही तो बहुत है। करिया है सर। गुजिया 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 करिया कहाँ रेत सर। जामुन। जामुन नहीं भैया जामुन गुलाब जामुन तो सर जी नहीं आ रहा था। मैं अपने परिवारजनों का नाम लेना चाहता हूँ श्रीमान जी। सर जी मेरी वाइफ का नाम है पत्नी का नाम है रानी रजक मेरे बच्चे का नाम है पुष्पेंद्र रजक और मेरी बेटियां हैं दो उनका नाम है चांदनी रजक और छोटी बेटी का नाम है हिमांशी रजक। चलो भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे। सर लोकगीत सुनवा दो आप शकुंतला राजपूत के बारे में सुना दो। हम आपको सुनवाऊ थे शकुंतला राजपूत को गाओ भाव जो लोकगीत। We'll be right back.
नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते भैया। मोहली से बोल रहा है श्री राम यादव। मोहली से? जी जी। श्री राम भैया को हम खूब खूब स्वागत कर रहे हैं अपने कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने में। जी मैम। हाँ और बताएं भैया क्या काम कर रहे थे आप? मैडम जी धान काट रहे। अच्छा जी। अब काय की फसल बोने हैं? बस रबी की फसल गेहूं। अच्छा अब धान बोई आपने? जी जी। चलो अच्छी बात है भैया। और बताओ क्या कहो चाहते अपने श्रोता भैया बहनों से आप? जय क्या वो चाहत है कि अच्छे अपने काम करे खेती गृहस्थी को जरूरी है। बिल्कुल भैया सही बात कही। चलो अब हम आपसे आज को अटका पूछ लें। जी जी। अटका कह रहा है रिंग रिंगा सींग सींगा गाय काली दूध मीठा। मैडम जो आहानो तो नहीं बन रहा। बहुत सरल है भैया। दिमाग नहीं दौड़ रहा मैडम जी। चलो कोनो बात नहीं भैया लोकगीत बता दो आप। भगवान सिंह यादव को गोरी तहना की बातों में आके। चलो ठीक है। और आपने कार्यक्रम में फोन लगाओ आपको सुनवा रहे हैं हम भगवान सिंह यादव को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे गोरी तहना की बातों में आके बाप मतारी से भये न्यारे खेती के हो गए बटवारे। गोरी धना की बातों में आके बाप मतारी से भये न्यारे खेती के हो गए बटवारे। We'll be right back.
रोटी सो जई पर न तेरी पर सोचे रोटी जा सो जई पर न तेरी सर आकाशवाणी सागर। बिल्कुल भैया सही कह रहे हो, अपना नाम और बता देते। वहाँ लल्लू कुशवाहा मड़ी यादव से बोल रहे हैं तहसील हाटा। अरे वाह भैया वाह, पहली बार फोन लगाओ का आपने? बिल्कुल पहली बार लगाया। बहुत अच्छा लगा था भैया, लल्लू भैया पहली बार जो भी श्रोता फोन लगाओ थे तो ऐसा लगा कि हमारा परिवार बढ़ गया है आकाशवाणी को और दूर दूर से श्रोता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो लल्लू भैया जबकि आपने पहली बार फोन लगाओ है तो हमारे मन में भी जिज्ञासा है, हमारे श्रोताओं के मन में भी जिज्ञासा है कि लल्लू भैया मड़िया दो में क्या करते हैं? अरे छोटी सी किराने की दुकान है। अरे वाह भैया वाह, छोटी हो या बड़ी भैया दिल तो बड़ो है ना अपनो? हाँ हाँ, तो बस भैया वो गांव वाले आपके पास आते हुए सामान खरीद हुए? जी सर, गांव के आते हैं, मोहल्ला के आते हैं। देखो भैया हमें जहाँ तक समझ में आई है व्यापार में दो चीजों को ध्यान बहुत रखने हैं, एक तो ईमानदारी जी, बगैर मिलावट को सामान, और दूसरे प्यार से व्यवहार। जी जी सर, दुकान पे कोई भी आउ थे, अमीर आए गरीब आए छोटो आए बड़ो आए, सबसे एक सौ अगर व्यवहार करो, इन दो चीजों को आप खूब ध्यान रखो, मीठो बोल और ईमानदारी। जी सर, सही तौल हो गई, सही गुणवत्ता हो गई, तो भैया और इसे ज्यादा कहा जाना भैया? जी सर, और अच्छी मतलब ओरिजिनल चीजें रखो। हाँ, और ईमानदारी से कमाओ भैया, ईमानदारी में सारी बातें शामिल हो जाते हैं कि अपन को मिलावट नहीं करने, कम नहीं तोलने हैं अपन को, अपन को पैसा ज्यादा नहीं लेने हैं। तो भैया अटका पूछ ले मैं? जी सर, बन है तो बता रहे आपको। ठीक है भैया, अटका कह रहे हो कि रींग रीगा सिंग सिंगा गाय कारी दूध मीठा। एक बार कैसे? रींग रीगा सिंग सिंगा गाय कारी दूध मीठा। नहीं ये तो पता नहीं है इसको। चलो भैया, लल्लू भैया जी, तो अब हमें बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे? लोकगीत आपके पास धूमन कुशवाहा को है क्या? हाँ चलो सुनवा दे भैया। ठीक है सर, तो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे घूमन प्रसाद कुशवाहा को गाओ भाव जो लोकगीत। चल के दामाद भले हुआ में जाने का
जी सागर आकाशवाड़ी। बिल्कुल सही भैया जी। राम राम जी। राम राम भैया, कौन से गांव से बोल रहे हैं आप? जी हम बोल रहे हैं मवई तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़। हाँ, नाम बताएं भैया अपनो। हमारा नाम है जी बहादुर सिंह राजपूत। मवई से बोल रहे हैं बहादुर सिंह राजपूत जी। हाँ भैया, तो हम आपको कार्यक्रम में खूब ही खूब स्वागत कर रहे हैं, और बताएं भैया अपने बारे में। जी हम खेती किसानी करते हैं जी। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है खेतों में? अभी जी मूंगफली पटा रहे हैं। अच्छा, तो कैसी निकली आपकी मूंगफली? बढ़िया निकल रही है जी।
अच्छा, तो कितने महीना की फसल रहते भैया मूंगफली की? ये 3 महीने की रहती है जी। अच्छा, के बाद अपनी ये चना मटर मसूर। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि भैया जो चना मटर मसूर आपको लेने हैं तो कहाँ से बीज वगैरह लेने हैं आपको? बीज यहीं से ले लेते हैं, मऊरानीपुर है पास में, उत्तर प्रदेश में। हाँ हाँ, या फिर यहाँ तहसील हमारी पलेरा, पलेरा में मिल जाता है। अच्छा, तो भैया हमारा तो यही कहो है कि आप अच्छे बढ़िया कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले लेवे कि कौन से किस्म को आपको बीज बोने हैं और आपकी खेतों की माटी कैसी का है ना, पूरी जानकारी लेके बढ़िया खेती करें जिसे अच्छी फसल उत्पादन हो गए। जी बिल्कुल। हाँ भैया, और अब हम आपसे आज को अटका पूछ लें। हाँ हाँ जी पूछिए। अटका कह रहा है, रिंग रिंगा सिंग सिंगा, गाय काली दूध मीठा। एक बार और बताइए जी। रिंग रिंगा सिंग सिंगा, गाय काली दूध मीठा। जो नहीं बोल रहा जी। चलो कोई बात नहीं भैया, और अब हमें आप बता दें कि आपको कौन सा लोकगीत सुनने कहा हो? चंद्रभूषण पाठक जी का सुना दीजिए। अब हम सुनवा रहे हैं आपको चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत। साची मानो बात कछु प्रेमना दबाओ की, साची मानो बात कछु प्रेमना दबाओ की, नारी न बन जावे नाव की, नाव की सुधा द्वार पे
पर कोरो संग नाथ नैया अकेलो सुखर भर है नैया भसूरो घर भर है नैया भसूरो नाव के सहारे नाथ पल रहे और पुस रहे नाव के सहारे नाथ पल रहे और पुस रहे सो दो जोर सिलगत है चूड़ो दो जोर सिलगत है चूड़ो अरे नाव बने दारू की तो मांगो कौन साओ की नाव बने दारू की तो मांगो कौन साओ की नारी न बन जावे नाव की हेलो नमस्कार सर। नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुनने में खूब खूब स्वागत कर रहे हैं आपको, अपना नाम बता दो। जयशेखर सर नमस्कार, हम सुनील कुमार पांचाल बोल रहे हैं। सुनील कुमार पांचाल? हाँ जी। सुनील भैया कहाँ से बोल रहे हो आप? वैसे तो हम ग्राम बंगरा पोस्ट जिगनी हमीरपुर यूपी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम लुधियाना में रहते हैं। अच्छा, हमारा अच्छा। 3 महीने बाद फोन लगा है, हम आपके नियमित श्रोता है। तो भैया लुधियाना में कर का रहे हो आप, हमें थोड़ा सा जानकारी दे दो। वही पंजाब नेशनल बैंक में जॉब कर रहे हैं सर। तो सुनील भैया हमें जा बताओ कि फुर्सत के पलों में का कर बहुत अच्छा लगा था आपके लाने? फुर्सत के पलों में बस वही है कि लोकगीत वगैरह सुनते रहते हैं और अपना आजकल तो प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह, तो प्रमोशन की अपनी तैयारी चल रही है और अपना लोकगीत वगैरह सुनते हैं, उपन्यास वगैरह पढ़ते रहते हैं। और बहुत अच्छी बात है भैया। उपन्यास कौन कौन से पढ़ा थो आप? उपन्यास ज्यादातर तो हमें प्रेमचंद पसंद है, लेकिन फिर जो भी मिल जाए वही पढ़ लेते हैं। अच्छा भैया एक बात और अच्छी है आपके संग है कि लुधियाना के पास से ही हिमाचल प्रदेश की सीमा जुड़ी है। जी जी जी। तो घूमबे के लाना भैया, इतने अच्छी अच्छी जगहें हैं, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ ठंडी जगह हैं, तो एक बार ऐसा करो कि आप कहूँ घूम के आ जाओ पहाड़ों पे तो मजा आ जाए। मुझे ना हिमाचल में एक जगह है कांगड़ा। हाँ मुझे कांगड़ा जाना है हिंगलाज माता के यहाँ पर। बिल्कुल भैया, काफी टाइम से सोच के बैठा हुआ हूँ। तो भैया जरूर सर में बैठा, जैसे कर सर जो भी हो। हाँ हाँ, मुझे ना आप बहुत मतलब बहुत पसंद है आरजे के उसमें आप। भैया अब हम पूछ रहे हैं आपसे अटका। जी पूछिए। अटका कह रहे हो कि रिंग रिंगा सिंग सिंगा गाय कारी और दूध मीठा। नहीं सर अटका नहीं बता पाएंगे, सॉरी। भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे? लोकगीत तो सर हमें जैसे लक्ष्मी त्रिपाठी का सुना दीजिए, वैसे तो कोई भी सुना दीजिए, लेकिन उनकी एक कोई सी भी लोकगीत सुना दीजिएगा लक्ष्मी त्रिपाठी जी का। तो सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे, लक्ष्मी त्रिपाठी को गाओ भाओ जो लोकगीत। मैया पंचम बरा
देवी की बिंदी रंगे चुनरी हो माँ मैया देवी की बिंदी रंगे चुनरी हो माँ मैया शेखर भैया अपनो कार्यक्रम चलो ए लोक गीत के संग समाप्ति की तरफ मनो। हाँ भैया लोकगीत तो बहुत ही अच्छी बात है मनो, सबसे ज्यादा जो अपने श्रोताओं को इंतजार रहते है प्रतीक्षा होते है वो होते है अपने अटका की। बिल्कुल भैया, तो आओ अपन अटका के बारे में बात कर ले। बिल्कुल भैया, तो आज को अटका है तो रिंग रिंगा सिंग सिंगा गाय काली दूध मीठा। अब बताओ जो का कहलाओ। भैया देखो इको उत्तर है सिंघाड़ू। वाह, पानी में सिंघाड़ो लगा थे और ये मौसम में तो खूब ही सिंघाड़े आते हैं। बिल्कुल भैया, और एक सही जवाब तो आपको पता ही चल गया कि सिंघाड़ो रिंग रिंग सिंग सिंग आया ना, वो सिंग जैसे निकले रहे थे करिया रहे थे लेकिन अंदर वो फल जो रहे थे वो मीठो रहे थे सफेद रहे थे। अच्छा आप सभी श्रोता आकाशवाणी वे अटका भेज सकत हो और अटका भेजवे के लाने हमारा पतो है ऊपर लिख दो अटका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर। अगर आप व्हाट्सएप पे भेजबो चाहत हो अटका तो हमारा व्हाट्सएप को नंबर लिख लो, नंबर है 9770432297। जयशेखर भैया एक बार और अपन मोबाइल नंबर अपने श्रोता भैया बहनों को बता दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 9770432297। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा भैया हरो एक चीज और बता दें आपको, और याद आ गई कि अपनो जो कार्यक्रम यानी सोमवार को प्रसारण होवे के बाद एक कार्यक्रम को आप YouTube के सागर आकाशवाणी के ऑफिशियल YouTube चैनल पे भी सुन सकत हो और पसंद करो भैया और मजे करो भैया और संगे संगे एक हो अपने दोस्तों में अपने परिवार में शेयर करो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो। बिल्कुल भैया बहुत अच्छी बात आपने बता दी अपने श्रोता भैया बहनों को, यूट्यूब के माध्यम से भी आप कार्यक्रम चाहे जब सुन सका कहूँ भी हुआ। हाँ, और अब अपन अपने फोन नंबर और एसटीडी कोड भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने श्रोता भैया बहने अपन को फोन लगाऊ थे। हाँ। और इंतजार करते हैं कि हम भी अब की बार फोन जरूर लगाएं। तो भैया सागर को सबसे पहले एसटीडी कोड लगाने जो है 07582 और नंबर बता रही शशि बिन्ना। बिल्कुल भैया, तो नंबर लिख लें आप 240-845। और अब दो आज्ञा शशि और जयशेखर को राम राम, राम।